अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है नया तमाशा शुरू हो चुका है भारत में, और शाहरुख खान की ज़िंदगी दोबारा से मुश्किल में आ चुकी हुई है। उर्दू टीवी 22 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त मशहूर भारतीय सिंगर लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात चल रही हैं, और इस सिलसिले में तमाम जो है एक्ट्रेस वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स भी। तो शाहरुख खान भी पहुँचे हैं वहाँ पर, और इन्होंने वहाँ पर दुआ मांगकर उन पर फूंक मारी है, तो उस पर ये लोग तप चुके हुए हैं। हिंदुत्व इंतहा पसंदों ने इस वक्त मुसलमानों की ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन कर दी हुई है, और मुसलमानों को अपने जानो माल की बहुत फिक्र है वहाँ पर। भारत में मुसलमानों के लिए ज़मीन को तंग कर दिया गया है, जब से ये मोदी गवर्नमेंट, वो खुद भी इसी तरीके से हैं इंतहा पसंद, और साथ साथ इनके जो चेले, ये चड्डी वाले जो हैं, ये भी इस तरीके से बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। शाहरुख खान के लिए तो एक और नई मुश्किल खड़ी हो चुकी हुई है, क्योंकि शाहरुख खान का ये नज़रिया मुसलमान होने के नाते ठीक नहीं था, उनको ऐसा नहीं था करना चाहिए। उनकी आखिरी रसूमात में शामिल हुए हैं, एहतराम से खड़े रहते, दिल में दुआ कर लेते, लेकिन दुआ मांग कर फिर उसकी लाश पर उन्होंने फूंका, तो ये यहाँ से फंस गए हैं। और ये समझ रहे हैं ये लोग हिंदुत्व नज़रिए वाले कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर की लाश पर थूका है। तो शाहरुख खान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, बल्कि हर मुसलमान के लिए। न जाने कब इन इंतहा पसंद चड्डी वालों से मुसलमानों की जान छुटेगी। आप देखें कि ये शाहरुख खान ने किया है, और इस पर ये फंस चुके हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। अब देखते हैं क्या बनता है इनके साथ। हम क्या कह सकते हैं कि उस वक्त इनकी आगे इनके नसीब हैं, और मुसलमानों की क्या ज़िंदगी वहाँ पे गुजरेगी, अल्लाह ही जाने। आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू टीवी 22 को सब्सक्राइब और वीडियोस को पसंद ज़रूर कीजिएगा, और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नई मालूमात मिलती रहें। शुक्रिया।